हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आपका जीवन कैसा हो, इस वक्त आप कैसा जीवन जिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपसे साझा करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इस अभी प्रेजेंट टाइम में ज़रूर अपनाएं आप, या आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर वन, अभी वर्तमान में आप एक तपस्वी जैसा जीवन जिए। तपस्वी का जीवन कैसा होता है, न ज़्यादा खाता है न कम खाता है, न ज़्यादा सोता है और न ज़्यादा कम सोता है, रोज़ ध्यान योगा प्राणायाम आदि करता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप भी ऐसा ही जीवन जिए, क्योंकि अभी अगर ऐसा जीवन अगर आप जिएंगे तो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होगी, और आप अभी जो वर्तमान संक्रमण की बीमारी चल रही है कोरोना, उससे लड़ने के लिए आपके शरीर में आंतरिक ऊर्जा पैदा होगी। सेकंड, रस को ज़्यादा अपनाइए। अपने आयुर्वेदिक ग्रंथों में अन्न से ज़्यादा ब्रह्म रस को माना गया। अभी जितना हो सके आप लिक्विड चीज़ें लें, आप जूस ले सकते हैं, आप तुलसी अदरक का काढ़ा ले सकते हैं, आप गिलोय पी सकते हैं। गिलोय का काढ़ा अभी कोरोना में रामबाण है, इसके बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ में भी पता चल चुका है कि गिलोय कोरोना से बहुत ही अच्छी लड़ने में कारगर साबित हुई है। तो जितना पॉसिबल हो सके ओरिजिनल गिलोय का काढ़ा आप पिएँ, यह आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगी। थर्ड, अन्न जल। अभी आप अन्न और जल ऐसा रखें जो आपके शरीर के लिए लाभदायक हो, तुरंत और आसानी से पच जाए, ऐसा आप अभी वर्तमान में खाना खाएं। क्यों? क्योंकि आप अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो ज़्यादा तला भुना खाना न खाएं, और जितना हो सके पानी पिए, और वो भी गर्म और गुनगुना पानी पीता रहें, क्योंकि अभी जो संक्रमण चल रहा है उस गर्म हल्का हल्का गर्म पानी पीने से वो संक्रमण आपसे ज़्यादा दूर रहता है, ज़्यादा पास नहीं आता है। और ऐसी चीज़ें लें जो आपके पेट में आसानी से पच जाएँ, वही चीज़ें आप ले लें। फोर्थ, उषापान करें। उषापान का अपने आयुर्वेदिक में बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण बताया गया। उषापान उसको कहते हैं कि सुबह 5 बजे से पहले आप उठ जाइए, और उठने के बाद में आप 2-3 गिलास पानी पीजिए। उससे क्या होता है, एक तो आप सुबह सुबह जल्दी उठेंगे तो एक तो शुद्ध और ताज़ी ऑक्सीजन आपको मिलेगी, दूसरा अगर आप पानी पियेंगे तो पानी पीने से आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा जो कचरा है, मलबा है, वो आपके मल त्याग के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसको उषापान कहा गया है। उषापान, सुबह सुबह उषापान करना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो हो सके सुबह जल्दी उठें और उषापान करें। फिफ्थ, 100 दवाई 1 घुमाई। अपने आयुर्वेदिक में कहा गया है कि 100 दवाई के बराबर 1 घुमाई माना जाता है। आप सुबह सुबह घर पर ही घूमें, खाना खाने के बाद घूमें, रात को खाना खाने के बाद घूमें, सुबह योगा करें, प्राणायाम करें, क्योंकि अभी ये करने से आपको बहुत ही लाभ होगा, आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी और आप एक अच्छा फील महसूस करोगे। सिक्स, संयम और साहस। अभी वर्तमान के समय में सभी निराशा की बाढ़ में डूबे हुए, चारों तरफ कोरोना की हाहाकार और महामारी फैली हुई, जिधर देखो जिधर लोग डिप्रेशन में घूम रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इसलिए अपने संयम रखें और साहस रखें, क्योंकि आज अगर बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन जरूर आएंगे, अगर आज रात हुई है तो एक दिन सवेरा भी जरूर होगा। सेवन, अपने खर्चे कम करें। अगर आपको लगता है कि कोरोना काल में आपकी आमदनी कम हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि अपन को किसी को बताना है, अपना मेंटेन करें, अपने खर्चे को मेंटेन करें, अपन को किसी को बताना नहीं है कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। जब आप मुसीबत में होंगे, जब आप संकट के समय होंगे, तो कोई भी आपको पैसे उधार देने के लिए नहीं आएंगे, इसीलिए अपना खर्चा अपने हाथ में रखें और कंट्रोल करें दोस्तों। 9, रिश्तों का सम्मान करें और जितनी हो सके सेवा करें। अभी जिधर देखो जिधर कोविड पेशेंट है, अगर आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त अभी संकट के समय में अगर वो संकट है तो इस वक्त उनकी मदद जरूर करें। अगर आप पैसे से मदद न कर सकते हैं तो फिजिकल मदद करें, फिजिकल न करें तो कैसे भी करके उनकी अभी मदद करें, क्योंकि ये एक समय है,
इस वक्त मदद करने का। इस वक्त हर जगह सरकार और सरकार और सरकार के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये महामारी बहुत बड़ी महामारी है। इसीलिए जितना हो सके आप भी खुद भी कोविड पेशेंट की मदद करें, अपने रिश्तेदारों की मदद करें, जो भी इस सिचुएशन में महामारी में फंसा हुआ है उसकी मदद जरूर करें। नेक्स्ट, योजनाओं भरा जीवन हो। योजनाओं भरा जीवन ऐसा होना चाहिए, अभी आप कोविड काल में बैठे हो और सबके धंधे और सबकी नौकरी सभी डिस्टर्ब हुई है, तो आप इस वक्त निराश ना हो, अपने परिवार के साथ बैठे, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे और एक विचार विमर्श करें कि अपन को किस तरह से आगे जीना है, किस तरह की सी आगे योजना बनाएं, तो उससे अपने जीवन में उत्साह और उमंग आए कि हमें ये कोरोना खत्म होते हमें ये करना है, हमें वो करना है। एक उत्साह और उमंग अपने जीवन में लाए। क्यों? क्योंकि अभी चारों तरफ एक निराशा की भावना और मन में एक निराशा की भावना घर कर गई है। इसीलिए अपने परिवार के साथ में बैठें और ऐसी योजना बनाएं कि हमें आगे क्या करना है, कैसे सिचुएशन से पार निकलना है। इसी के साथ आज यही दोस्तों, नमस्कार।